हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो फाइनली अमंग अस का अपडेट आ चुका है, तो मैंने उसकी वीडियो बना चुका हूँ कि अपडेट आ चुका है। अब मुझे लगता है कि सब लोगों ने अपडेट कर लिया होगा कि ग्लोबली आया है अपडेट एंड्रॉइड एंड आईओएस और पीसी के लिए। तो मुझे लगता है सबने अपडेट कर लिया। तो इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ कि अपडेट के अंदर क्या क्या नए फीचर्स आए हैं, क्या सेटिंग्स आई है और क्या क्या इन्होंने ऐड किया है। लेकिन उससे पहले आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर क्या नई चीजें आई हैं अमंग अस के अंदर। तो उससे पहले आप देख लीजिए, जो एशिया का सर्वर था जो चल नहीं रहा था, नॉट वर्किंग जा रहा, अब वो चलने लगा है। उसमें जाके आप क्रिएट करिए और होस्ट करिए, जो भी करना फाइंड करना कर सकते हो। एशिया सर्वर अब वर्क कर रहा है, एक ग्लीच था कुछ भी था या सर्वर इश्यू था, वो अब काम कर रहा है। ठीक है, तो अब अमंग अस के अंदर मेन क्या सेटिंग्स आई है वो बताऊंगा। सबसे पहले दो मेन सेटिंग्स आई हैं अमंग अस के अंदर, तो हम सेटिंग पे जाते हैं और देखते हैं हमें क्या चीज़ें नहीं मिलती है देखने को। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है अनोमस वोट, या आप उसको गुमनाम वोट भी कह सकते हो, यानी गुमनाम वोट कह सकते हो। तो इसका क्या यूज़ है वो बताऊंगा, इस वोट का या वोटिंग का क्या यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इस गेम के अंदर अमंग अस के अंदर। और दूसरी चीज़ आती है इसके अंदर, ये रहा टास्क बार अपडेट। ठीक है, तो टास्क बार अपडेट तो सबको ही पता होगा, टास्क बार जहाँ शो होता है इसमें ऑलवेज मीटिंग और नेवर लिख रखा है। तो इसको बताऊंगा आपको किस पे रखना है या किस पे रख सकते हो, ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो पे यही बात करेंगे कि सेटिंग्स के में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनोमस वोटिंग्स के बारे में, ठीक है, यानी गुमनाम वोटिंग। तो जब भी हम कोई वोट करते हैं, ठीक है, कोई भी वोट करते हैं, तो उस बंदे के सामने पता चल जाता किस बंदे ने किसको वोट किया, ठीक है, यानी उसका कलर शो हो जाता था कि हमने भाई इसको वोट किया, इस बंदे ने इसको वोट किया। देखिए सबका कलर शो हो रहा है ना, किस किस बंदे ने किसको वोट किया है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बंदे ने मुझे वोट किया है सब बंदों ने, ठीक है, ये इसका मतलब ये है। इसको तब ऑफ रखते हैं हम, ठीक है, तब इसको हम ऑन रखते हैं, यानी इसको टिक करते हैं, ठीक है, अनोमस वोट को तो हम टिक करते हैं। तो क्या होता है ये देखिए, ब्लैक ब्लैक, यानी पता ही नहीं चलेगा किस बंदे ने वोट किया है, ये इसका फायदा है। यानी आप गुमनाम वोट, यानी पता ही नहीं चलेगा किसने आपको वोट किया, सिंपल सा तरीका है, पता ही नहीं लगेगा किसने आपको वोट किया, ब्लैक ब्लैक सबका कलर आएगा। तो ये एक अच्छी बात है, अच्छा अपडेट है कि किसी को पता नहीं चलेगा भाई किसने किसको वोट किया। और दूसरी आता है टास्क बार अपडेट। टास्क बार अपडेट बता दूँ होता क्या है, जैसे कि ये दो टास्क चल रहा है, ठीक है, और दो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे ऊपर है कि कोने में, तो टास्क दो किस बंदे कितना टास्क किया वो दिखाई देता है, हाँ भाई कितना टास्क रह गया, कितना टास्क कर रहा है बंदा, कितना बाकी है टास्क, सब शो होता है, यानी ग्रीन ग्रीन बढ़ता रहता है, जो ब्लैक ब्लैक है ना ग्रीन ग्रीन होता रहता है, ठीक है, तो इससे पता चल जाता है हाँ भाई टास्क कितना रहेगा, किस बंदों ने कंप्लीट किया किसने नहीं किया, ऐसे सब बढ़ता रहता है ये टास्क बार हो गया। ठीक है, ये ऑलवेज ऑन था, ठीक है, अब तब हम इसको मीटिंग्स में करते हैं, ठीक है, तब हम इसको मीटिंग्स में करते हैं। तो मीटिंग्स के अंदर क्या होता है आप देखिए, जैसे कि हम कोई मिशन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हमने ये अलग किया कार्ड स्वाइप वाला, ये देखिए किया हमने, लेकिन हमारे ऊपर जो टास्क बार है ना बिल्कुल भी ग्रीन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने मीटिंग्स में किया, यानी तब भी हम मीटिंग बुलाएंगे ना, तब मीटिंग के बाद मैच के अंदर आएंगे तब हमें शो होगा। ये देखिए शो हो रहा है क्योंकि हमने मीटिंग बुलाई थी, ठीक है, मीटिंग या रिपोर्ट, बॉडी रिपोर्ट होती है, कुछ भी होता है, उसके बाद हमें शो होता है कि कितना हुआ है मिशंस। ये देखिए इतना मिशन हुआ है हमारा रिपोर्ट के बाद, ठीक है, इतना हुआ है हमारा। तो ये जब भी आप कोई भी आप मिशन करोगे ना नहीं होगा, लेकिन तब रिपोर्ट करोगे बॉडी तब ये ग्रीन होगा, ये तरह से समझ लेना, सिंपल सा। देखिए ये वाला मैंने टास्क किया लेकिन ग्रीन नहीं हुआ, भरा नहीं बिल्कुल, ये अब मीटिंग के बाद ही भरेगा, ठीक है, ये देखिए मीटिंग हुई भर गया। यही है कि हर मीटिंग के बाद बढ़ता रहेगा, पता चलता रहेगा कितना है। अब आते हैं मीटिंग्स हो गया, ऑलवेज ऑन हो गया, अब आता है हमारे नेवर में। नेवर में आपको टास्क बार दिखेगा ही नहीं, ये देखो सबसे मुश्किल टास्क, यानी पता ही नहीं लगेगा बंदा कितना टास्क रह गया कितना टास्क नहीं है, यानी बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा बंदे को कि कितना टास्क है कितना टास्क नहीं है, ये देखो बिल्कुल गायब हो गया। तो इससे इंपोस्टर का भी फायदा है, आपका भी फायदा हो सकता है, किसी का भी फायदा हो सकता है, वो तो अपनी मर्जी। इसको नेवर रखो, उसे गेम को हार्ड बनाने के लिए आपको नेवर कर सकते हो, ठीक है, या मीटिंग कर सकते हो या ऑलवेज ऑन कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो आपके हिसाब से रख लेना कि आपको क्या करना क्या नहीं करना। अब उसके बाद आती है दो न्यू फीचर्स आया क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक का वायर है, ये जो वायर है ना इसके सामने जो कलर है ना बंदे को कुछ होते ब्लाइंड कलर नहीं समझ आते, तो अब उनके सामने शेप बना दिए। देखिए शेप बने हुए हैं, एक्स ओ ट्रायंगल स्टार, ये शेप बना है, बंदे आराम से इसको वायर को कनेक्ट कर पाएंगे अपने अंदर, मतलब अपने अंदर नहीं गेम के अंदर। और उसके बाद आता है और एक और चेंज आया है, ये देखिए ये जो आता है रिपोर्टिंग का, उसमें सबके कैरेक्टर, जो कैरेक्टर जैसा है वैसा दिखाई दे रहा है, यानी टोपी पहन रखी है कुछ भी पहन रखा है जो भी लगा रखा है, सब सो रहा है, थोड़े बड़े हो गए कैरेक्टर, पहले एक तरह नहीं छोटे छोटे, तो कुछ दिखाई नहीं देता था कि क्या पहना क्या नहीं पहना। बस यही था इस वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।